और मुझे यहाँ बैठे बैठे ख्याल आया, हम लोग बड़े विडंबना की बात है, जिस दिन से हम होशियार हो जाते हैं ना, जिस दिन से हम जो हमारा इंटेलिजेंट जो दिमाग होता है उसको लगाने लग जाते हैं, उसी दिन से हम अपनी असफलता के बीज बोना शुरू कर देते हैं। हर आदमी जिस दिन से होशियार चंद बनता है, होशियारी दिखाता है, उसी दिन से उसके साथ गड़बड़ होने लग जाती है। एक बंदा मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरा और उतरने के बाद उसने ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब मुझे वृंदावन जाना है, कितना पैसा लेंगे? तो ऑटो वाले ने बोला 200 रुपये। क्या बोला? 200 रुपये। बोले यार मेरे को तो बताया वृंदावन बहुत नजदीक है, 200 रुपये तो ज्यादा है। बोले भाई साहब पैसा इतने ही लगते हैं, मैं पैसे ठीक बताए। बंदे को लगा नजदीक ही होगा, उसने बैग सरकाया और चल दिया पैदल ही, और पैदल चलता गया चलता गया, और वो टाउनशिप तक पहुंच गया। और उसके बाद में ऑटो वाला फिर मिला, बोला हाँ भाई मैं 5 किलोमीटर चल के आ गया, अब बता अब कितने लेगा? तो ऑटो वाला बोलता 300 रुपये। तो उसने पूछा 300 क्यों? कि भाई साहब 5 किलोमीटर उल्टी साइड में चल के आ गए हो, चलना ही था तो इधर चल के जाते। तो ये ये रोके से रुकता नहीं है, हमेशा अपने आप को उन सब चीजों के लिए लगाते, मैं कैसे बचा सकता हूं, कैसे अपने आप को इससे कट मार सकता हूं, कैसे मैं इसमें कंजूसी कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों बचपन आ जाए अगर अपने अंदर, क्या आ जाए? बचपन आ जाए। और ये जो बोल दिया सो बोल दिया, बचपन में बच्चा अगर अपनी मम्मी की गोद में है और मां अगर उसको बोल दे, अगर ये तेरे सामने शेर है, ये शेर नहीं है बेटा पिल्ला है, तो उसको क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? और उसको टाल ठोक देगा कि तू आ जा, उसे डर नहीं लगेगा उससे, यस या नो? लेकिन जिस दिन से हम होशियार हो जाते हैं, दिमाग लगाने लगते हैं, ये पिल्ला कैसे है? हेलो। और ये दिमाग लगाना ही हमारे लिए घातक होता है। मैं बात कर रहा हूं जिद्दी लोगों की। बचपन में आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पतंग उड़ाई है, उड़ाते हुए किसी को देखा है? देखा है सर? देखा तो हो गई। अच्छा कई लोग जानबूझ के हाथ नहीं खड़ा कर रहे, जैक लगाना पड़ेगा क्या उनके नीचे? कितने लोगों ने पतंग उड़ाई है, उड़ाते हुए देखा है? हाथ ऊपर करिए सारे लोग। क्या होता है पतंग उड़ाने में? पतंग उड़ती है तो मजा उड़ाने में है या दूसरे की काटने में? मजा किसमें है? उड़ाने में कोई मजा नहीं है, पतंग काटने में मजा है। जब हम दूसरे की काट लेते हैं तो खुश होते हैं कि नहीं? ताली बजाते हैं कि नहीं? लेकिन जब अपनी कट जाती है तो? अपनी कट जाती है तो थोड़े दुखी होते हैं। फिर क्या करते हैं? बच्चा पार्टी क्या करती है? वापस आती है, दूसरी पतंग लाती है, और फिर पेचे लड़ाए जाते हैं, बेटा अब की बात तेरी को काट के छोड़ूंगा, यस या नो? और अगर दूसरी बार भी अपनी कट गई तो फिर क्या करते हैं? तीसरी बार लाते हैं, फिर पेचे लड़ते हैं, और फिर भी कट गई तो साला चौथी बार। और ये कब तक सिलसिला चलता है? हेलो। बच्चे को रोटी अच्छी नहीं लगेगी साला जब तक इसकी कट नहीं जाएगी। थैंक यू। ये जिद जिस बंदे के अंदर आ जाए वो बंदा इतिहास लिख सकता है दोस्तों। एक बार गया, एक ने ना बोला, साला अभी पेचे लड़ाना आता है, अभी दोबारा फोल्डर निकालूंगा, दूसरे के पास जाऊंगा, तीसरे के पास जाऊंगा, और जब तक जाऊंगा जब तक कि डायमंड बन नहीं जाता। ये जिसके अंदर आ जाए वो इतिहास लिखता है। क्या आपके अंदर ये जिद है? यस या नो? कितने लोगों में जिद है कि दोबारा भी प्रयास कर सकते हैं, गिर के भी उठ सकते हैं? तो बजाओ खुद के लिए जोरदार ताली। देखे सदा
याद रखिए, स्कूल में जो शिक्षा मिलती है, पहले शिक्षा मिलती बाद में परीक्षा होती है, यस या नो? लेकिन ये जिंदगी है दोस्त, यहां पहले परीक्षा होती है बाद में शिक्षा मिलती है। ये परीक्षा चल रही है आपकी, और इस परीक्षा में जो बैठा रहेगा और बार बार अगर फेल भी हो और फार्म भरता रहेगा, आज नहीं तो कल सर कल्याण सिंह की सरकार बदली जाएगी। नंबर सबका आना है, यस या नो? पास हो जाएगा। अगर कोई अपने आप को पप्पू भी मानता है तो वो पप्पू भी पास हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है? इस परीक्षा में बैठा रहे, आप बैठे रहेंगे, यस या नो? दोस्तों, मुझे 13 साल हो गए ये बिजनेस करते हुए, और मेरे से कोई अगर पूछे कि भैया आपकी जो 3,80,000 की टीम बनी है, आपके जो 100 डायमंड बने हैं, आपकी जो BMW आई है, आपको जो 1,04,00,000 साल के आते हैं, आप जो ये देश विदेश की यात्राएं करते हैं, इनका राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका कारण क्या है, कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ नीचे कर लो, दिल से बता दूं, सच्ची में मान लेंगे? कितने लोग चाहते हैं कि मैं दिल से बता दूं मान लेंगे आप? पक्का? तो मैं यहां से बता रहा हूं, ये जो टीम बनी है, एक क्राउन की रिकॉग्निशन मिली है, ये मेरे विश्वास की बदौलत मिली है। सिर्फ एक चीज है, एक ही मंत्र है, मेरा विश्वास मुझे यहां लेके आया। मुझे दोस्तों विश्वास था, विश्वास कि यहां से ऐसा होगा। जिस दिन हमारा विश्वास डोल जाता है, उस दिन हम अपनी जिंदगी में एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, और वो विश्वास मेरा जमा रहा, चाहे भले मुझे सफलता मिली हो या ना मिली हो, मुझे यहां से विश्वास था।